बीएचयू के संस्कृत विज्ञान संकाय में साहित्य के लिए चयनित डॉक्टर फिरोज खान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद धरने पर बैठे छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। अखिल भारतीय परिषद के चक्रपाणी ने डॉक्टर फिरोज को शुभकामना देते हुए कहा कि माननीय फिरोज खान से हमारा कोई वैचारिक द्वेष नहीं है, हम उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, वह नित्य नवीन ऊंचाइयों पर जाएं और संस्कृत की सेवा करें। देखिए, आज मीडिया के माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम देश की समस्त आम जनमानस को यह बताना चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परम पूजनीय महामना जी के संकल्पना एवं विधि द्वारा स्थापित परंपरा की रक्षा हेतु हम पिछले 1 महीने 3 दिनों से आंदोलनरत थे। आज संकाय प्रमुख का जो यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर हम आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। क्या लिखा है पत्र में? पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपकी भावनाओं एवं अनुरोध के अनुरूप आप सभी को सूचित करना है कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त डॉक्टर फिरोज खान ने दिनांक 9/12/2019 को असिस्टेंट प्रोफेसर साहित्य विभाग से अपना इस्तीफा दे दिया है। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो अध्ययन अध्यापन एवं परीक्षा में संलग्न हो। तो क्या परीक्षाएं होंगी? देखिए, चूंकि हमारी मांगे मान ली गई हैं और हम आप सभी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि माननीय फिरोज खान जी से हमारा कोई वैचारिक विद्वेष नहीं है, हम उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, वह नित नवीन ऊंचाइयों पर जाएं और संस्कृत की सेवा करें। साथ ही साथ परीक्षाएं का जो बहिष्कार हुआ था, अब वह परीक्षाएं स्वतः सुचारू रूप से चलेंगी, हम सभी छात्र उसमें सहयोग करेंगे। कितने बड़ी लड़ाई आप लोग लड़े हैं? देखिए, यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत की नहीं थी, यह लड़ाई हर उस छात्र की थी जिसने कहीं ना कहीं महामना को आदर्श रूप में मानकर अपने हृदय में रखा, अपने आदर्शों के रूप में माना और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया। साथ ही साथ आप लोग